नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही की चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। आज हम बात कर रहे हैं एरिक वॉरिस साहब की जो गोप्रो बुक है उसके आखिरी के तीन एक चैप्टर हैं। तीन में से जो सीक्वेंस में आ रहा पहला दैट इज ऑन इवेंट्स। तो साहब इवेंट्स के बहुत प्रखर ही प्रचारक हैं इन अ वे के साहब कहते हैं बाकी सारे फंक्शंस भी ठीक हैं, सही है, बट इवेंट्स में जाना और अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ले जाना ये बहुत असर कारक होता है, बहुत रियली इफेक्टिव होता है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अप योर करियर, बिल्डिंग अप योर टीम्स करियर, बिल्डिंग अप ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स करियर। अब इवेंट्स लोकल इवेंट्स होती हैं, स्टेट की या कंट्री की इवेंट होती हैं, रीजन की इवेंट होती हैं, और लास्ट में इंटरनेशनल इवेंट्स होती हैं। तो इवेंट्स में जैसे एक एटमॉस्फियर जो है वो बहुत ही रोमांचक होता है, बहुत ही लाइवली होता है, बहुत ही एनर्जी फील्ड होता है। अब एनर्जी कैसे होती है कि जो बड़े परफॉर्मर्स होते हैं, जो कंपनी में रैंक होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने वेरी रिसेंटली कुछ ना कुछ अचीवमेंट अगर किया हो, जैसे सेल्स टर्नओवर अचीव किया हो या रिक्रूटमेंट अचीव किया हो या रैंक्स अचीव किए हो, तो वो सारे इन्वॉल्व हो करके देर पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। एंड इट सो हैपन्स दैट के कोई भी अगर बंदा नया हो पुराना हो, कोई भी बंदा हो, वो अगर कंपनी के खास करके इंटरनेशनल इवेंट में अगर प्रेजेंट हो तो अपने आप एक एक एनर्जी आती है। सिर्फ और कुछ ना करे, सिर्फ बैठा भी रहे ना तो उसको एनर्जी आती है। और जब खास करके जब स्टेज पे एक 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 परफॉर्मर जब वॉक करते हैं और अपनी अपनी बातें बताते हैं, व्हाट इज देयर इंस्पिरेशन, व्हाट डू दे ड्रीम अबाउट, व्हाट डू दे लुक फॉरवर्ड टू, तो आपको अपने आप एक इंस्पिरेशन मिल जाता है। ठीक है, सो एरिक साहब का कहना है कि कम वॉट में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने इवेंट्स को मिस नहीं करना है। और उनको भी जैसे उन्होंने जिस कंपनी ज्वाइन करी थी तो वो भी बिकॉज ही अंडरस्टूड द रेलेवेंस एंड इम्पोर्टेंस, वो जैसे तैसे करके पैसे बोरो करके ही रीच्ड अप टू द इवेंट। और वहाँ पे उस टाइम पे कंपनी के जो सबसे टॉप परफॉर्मर थे, सबसे टॉप परफॉर्मर थे, वो एरिक साहब को ये था कि मैं इनसे मिलूं और पूछूं कि भाई क्या जादू है, क्या आप कैसे, यू नो, हाउ डिड यू रीच टू द टॉप लेवल। तो हुआ ये कि कोई ब्रेक था बीच में और वॉशरूम में टॉयलेट में दोनों मिले, तो एरिक साहब ने बहुत हिम्मत जुटा के पूछा उनको कि सर आप, यू नो, हाउ डिड यू रीच टू दिस टॉप लेवल। उन्होंने साहब ने कुछ ज़्यादा नहीं बताया, बोलता और कुछ मत कर, सिर्फ इवेंट्स अटेंड कर, सिर्फ इवेंट्स अटेंड कर, और जितने ज़्यादा तू इवेंट्स अटेंड करेगा उतना तू ऊपर क्लाइम करेगा लैडर को। उन्होंने कहा ये जितने अभी इवेंट्स में आए हैं इसमें से आधे चढ़ जाएंगे, बाकी जो आधे बचे वो अगले इवेंट में जब आएंगे तब एक रैंक चढ़ चुके होंगे, उसमें से फिर आधे आधे फिर आधे। तो जो कंटिन्यूसली इवेंट्स अटेंड करता है वो लैडर को क्लाइम करता है, इतना शॉर्ट मैसेज उन्होंने दिया। वो बात एरिक साहब के दिमाग में बैठ गई, अब उन्होंने ठान लिया, कर लिया। तो एरिक साहब इज अ फर्म बिलीवर ऑफ द इवेंट्स, और वो ये कहते हैं कि ना सिर्फ आप खुद इवेंट्स अटेंड करो बार बार, बट अपनी पूरी की पूरी टीम को, पूरी की पूरी टीम को आप इंस्पायर करो, मोटिवेट करो टू अटेंड इवेंट्स। होगा क्या, आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, वो मोटिवेट हो रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो फिर आगे और नीचे जो डाउनलाइन है उनको मोटिवेट करेंगे।
सो जितनी ज़्यादा डाउनलाइन मोटिवेट होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, फ़ायदा क्या होगा, आप स्ट्रांग बनोगे ऑटोमेटिकली। तो इट इज़ इन योर इंटरेस्ट टू प्रमोट इवेंट्स, कम वॉट में जस्ट प्रमोट इवेंट्स। फिर दूसरे चैप्टर में साहब का कहना ये है कि ये जो इतनी मेहनत है, जो लर्निंग है, जो आपको स्टूडेंट बने रहना है लाइफ टाइम और काम करते रहना है, तो साहब कहते हैं कि ये जर्नी मिड टू लॉन्ग टर्म वाली जर्नी है, शॉर्ट टर्म वाली नहीं है, क्विक रिच नहीं है। समय लगेगा, पेशेंस लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी, कंसिस्टेंट मेहनत लगेगी, और जैसे जैसे समय जाता जाएगा और आप जुड़े हुए हो, जुड़े रहोगे, वो रंग लाएगी, मेहनत रंग लाएगी। तो समय दें, अपने आप को समय दें, अपने आप के ऊपर, अपने आप, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन कॉन्सेप्ट्स, लर्न द कॉन्सेप्ट्स, लर्न द मेथोडोलॉजी, लर्न द प्रोसेस, लर्न द सिस्टम एंड कीप लर्निंग। लर्निंग शुड नॉट स्टॉप, लर्निंग कैन नॉट स्टॉप, लर्निंग विल नॉट स्टॉप फॉर पीपल हु वॉन्ट टू बी इन द गेम। यू हैव टू बी अ लर्नर, यू हैव टू बी अ रीडर, यू हैव टू बी अ स्टूडेंट। एरिक वॉरी साहब ने इस प्रोफेशन में नहीं नहीं तो 20 से 25 साल दे दिए, और वो आज भी कहते हैं कि मैंने अभी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग टच किया है, पूरा आइसबर्ग जो सीखना है इस ट्रेड, इस बिजनेस के बारे में, वो बाकी है मेरा। तो अगर 20-25 साल देने वाला आदमी जिन्होंने करोड़ों डॉलर्स कमाए, जिनके हजारों की तादाद में दोस्त बने, वो कह रहे हैं कि मैंने तो अभी सिर्फ इसका सरफेस टच किया है, अभी तो मुझे और डीप जाना है, तो सोचो कि कितना इसमें प्रॉस्पेक्ट है, कितना पोटेंशियल है, कितनी गहराई है, ठीक है ना। तो ये है फायदे, अनेक बताए साहब ने। एक, आपकी लर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, आपकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, आपके नेटवर्किंग की कोई लिमिट नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप, और जो नेटवर्क आप बनाते हो वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर के बनाते हो, सो यू वुड लव द जर्नी। तो इसके ऊपर क्या चाहिए आपको कि भाई आप काम काम के तौर पे नहीं कर रहे हो, एक मजे के तौर पे, एक पैशन के तौर पे कर रहे हो। करने के आपको फायदे अनगिनत है, लर्निंग हो गई, अर्निंग हो गई, एक्सपीरियंसेस जो आप लेते हो लाइफ में जो अदरवाइज आप नहीं लेते, बड़े बड़े लोगों से मिलने की कैपेबिलिटी, उनके उनके सोच विचार को टच करने की कैपेबिलिटी, आपको खुद को इंस्पिरेशन मिलने की कैपेबिलिटी। दूसरा, आप जितने ग्रो होते जाओगे, आपके जैसे जो इच्छा रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, एस्पिरेशन रखते हैं टू ग्रो, उनको आप एक रोल मॉडल के तौर पे इंस्पायर करते हो, उनके दिमाग को, उनकी सोच को इग्नाइट करते हो कि भाई उठो, आप जिस लेवल पे हो उससे कहीं ऊपर उठ सकते हो, कहीं ऊपर आगे जा सकते हो। सो इट ब्रिंग्स इन अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन टू यू। बट येस, अगेन, इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स योर एफर्ट, इट रिक्वायर्स योर फोकस। फोकस ना हटे कभी, टाइम लगेगा आपको। हर एक बंदे के सीखने की कैपेबिलिटी अलग होती है, विचारधारा अलग होती है, शार्पनेस अलग होती है, बट आपको जुड़े रहना, आपको टिका हुआ रहना अंदर गेम में। डेफिनेटली डेफिनेटली 200% गारंटी, 200 के इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, इट विल चेंज योर लाइफ एंड पॉजिटिवली। वॉट यू आर टूडे, वॉट यू वर एंड वॉट यू वुड बी इज टोटल अ डिफरेंट थिंग। देर विल बी अ 360 डिग्री, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। आपका पूरा हिसाब किताब चेंज हो जाएगा, इनसाइड आउट, इनसाइड आउट। सोचना, आपकी हेल्थ, आपका आउटर परसेप्शन, मिलना लोगों से, नेटवर्क बनना, ग्रुप बनना। सो देयर इज
I would say nothing to lose as such. It's only gaining, it's only winning, it's only growing. तो मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ में इस वीडियो को भी समाप्त करता हूँ. और ये जो सीरीज़ है GoPro की, जो साहब के बुक को मैंने कोशिश करी है, आई हैवन बीन एबल टू गिव प्रॉपर जस्टिस. जितना मेरे को लग रहा था, समझ आ रही थी, मैंने बताता गया. बट डेफिनेटली इन फ्यूचर साहब की इसी बुक में से और लाइफ के कॉन्सेप्ट से मैं आगे वीडियोस में एक एक सब्जेक्ट के ऊपर छोटी छोटी बारीकाई से और बताऊंगा. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग. और एज यूजुअल थम्स अप दें, कमेंट्स करें कि भाई आपको वीडियो में, साहब की बुक में, नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके, कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई जानना चाहते हो या किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो, तो जस्ट डू राइट टू मी. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू वर्क ऑन दोज लाइन्स. मेरे दो व्यूअर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप GoPro के ऊपर और वीडियोस बनाएं, तो मैंने एक वही कोशिश करी है. बट आई वुड लव टू हैव योर फीडबैक कि हैव आई डन जस्टिस टू योर रिक्वेस्ट. यस तो यस, नो तो नो. खुल के कहिए, बिंदास कहिए, कोई स्ट्रेस नहीं. मुझे और काम करना है, आई नो, एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस सब्जेक्ट एवरी पॉसिबल माइन्यूटेस्ट लेवल आई विल. Because network marketing is my go forward thing, which I'm already doing now, and definitely would love to give more and more out there to people, bring positive change through my videos, through my connects, through my whatever I can do to add value to lives. इसलिए मैंने channel का भी नाम यही रखा है, add value to lives, क्योंकि बहुत लोग हैं. जैसे एरिक साहब कहते हैं, मेरे को खुद को आई फील के मुझे और कितना सीखना बाकी है. सो आई नीड टू लर्न एज मच एज आई कैन, एज मच एज फास्ट एज आई कैन, एंड आई वांट टू शेयर दिस जर्नी. मैं जो सीखा मैं बताते जाता हूँ. हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा सीखे हो, मुझसे ज़्यादा आता हो, मुझे भी हेल्प करिए सीखने में. तो हम आसपास में जितनी हम नॉलेज फैला सकें, बढ़ा सकें, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, हम अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों का नेटवर्क बना के, नेटवर्क खड़ा कर सकें, देन विल मेक अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड. डेफिनेटली गोज विदाउट सेइंग. सो अगेन थम्स अप दीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, अपने आसपास ग्रुप में भी शेयर करें, एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. आपका दिन अच्छा रहे. थैंक यू.